क्या आप जानते हैं अमन गुप्ता ने बोर्ड स्टार्ट करने से पहले JBL में भी काम किया था। 2012 और 13 में अमन गुप्ता ने JBL की पेरेंट कंपनी हरमन इंटरनेशनल में एज अ सेल डायरेक्टर काम किया था। वहां उन्होंने मार्केट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नोट की कि सारे ब्रांड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए हाई प्राइसेस और चीप क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए चीप प्राइसेस लेते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अमन गुप्ता ने इमेजिन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट की, जिसके अंडर उन्होंने हाउस ऑफ मार्ले फॉरेन ब्रांड को इंडिया में लॉन्च किया, जिससे उन्हें इंडियन मार्केट की प्राइस सेंसिटिविटी का पता चला। और 2016 में उन्होंने अपना खुद का ब्रांड बोट लॉन्च किया। अमन ने ऑब्जर्व किया कि आईफोन की केबल ड्यूरेबल नहीं होती है, इसलिए उन्होंने बोट का पहला प्रोडक्ट आईफोन की सस्ती और ड्यूरेबल चार्जिंग केबल बनाई। ऐसी छोटी पर इंपोर्टेंट स्ट्रेटेजीज की वजह से बोट आज वेरेबल ऑडियो मार्केट का 32% शेयर होल्ड करता है, जो इसे दुनिया का फिफ्थ बिगेस्ट ऑडियो वेरेबल ब्रांड बनाता है। लेकिन क्या आपको पता है, इस बंदे को भी शुरुआत में 40 इन्वेस्टर ने रिजेक्ट कर दिया था और ये बोट मिस कर दी थी। लेकिन आप हमारी वीडियोस मिस ना करें, इसलिए चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।